नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव, आप देख रहे हैं प्रिया टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको जो है द ब्रांड न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। एंड ये व्हीकल जो है विटारो ब्रेजर से आप कंपेयर करेंगे तो 70% आपको सेम आपको मिलता है दोस्तों। सेम बॉडी सेम इंजन स्पेसिफिकेशन आपको इस व्हीकल में आपको मिलते हैं, मगर ये टोयोटा है बॉस, आपको जो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में काफी सारे चेंजेस आपको मिलते हैं एंड उसी के साथ कॉस्मेटिक चेंजेस भी काफी सारे किया गया है। तो दोस्तों इस व्हीकल का कंप्लीट डिटेल रिव्यू आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एंड उसी के साथ के लास्ट में अगर आपको ये व्हीकल खरीदना चाहिए कि नहीं उसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड विटारो ब्रेजा से आपको कंपेयर करके क्या-क्या फीचर्स डिफरेंट है एंड कौन सा व्हीकल आपको लेना चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का कंटेंट, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मेरे साथ यानी पीआर टेक के साथ। तो दोस्तों ये रहे व्हीकल के कीस मेरे हाथ में है एंड ये रहा द ब्रांड न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर। कम्प्लीटली तीन डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है, मिड, हाई एंड प्रीमियम। ये प्रीमियम वेरिएंट जो है आप देख रहे हैं एंड इस व्हीकल का प्राइस डिटेल्स जो है आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा व्हीकल के प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स डिटेल्स के बारे में, तो चलिए फिजिकल ओवरव्यू शुरू करते हैं। मेनली फ्रंट प्रोफाइल से बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक मिनी फॉर्च्यूनर का लुक यहाँ पर आपको मिलता है। वहाँ पर भी जाके एक्सप्लोर करेंगे तो क्रोम फिनिश के साथ आपको टोयोटा का लोगो यहाँ पर सेंटर में मिलता है एंड साइड में आपको ग्रे फिनिश के साथ आपको ग्रिल यहाँ पर आपको मिलता है एंड इस ग्रिल के दोनों साइड्स में भी एंड सेंटर में भी आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको स्ट्रिप्स एंड लाइंस जो है इस तरह आपको मिलते हैं। नीचे आएंगे तो सेंटर में आपको नंबर प्लेट का सेक्शन यहाँ पर आपको मिलता है एंड उसके नीचे आपको सेकेंडरी ग्रिल एंड सिल्वर फिनिश के साथ आपको स्किट प्लेट मिलता है एंड कंप्लीटली नीचे 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस व्हीकल में मिलता है। तो दोस्तों ये रहा इस व्हीकल का फ्रंट प्रोफाइल के बारे में एंड इस व्हीकल का लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्रोम फिनिश का सेंस जो है काफी बढ़िया है दोस्तों। इस व्हीकल में आपको ड्यूएल चैम्बर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं दोस्तों एंड वहां पर भी क्रोम एसेंस यहाँ पर आपको मिलता है एंड ड्यूअल फंक्शन एलईडी डीआरएस भी आपको मिलते हैं। ब्राइटनेस एंड विजिबिलिटी जो है ये एकदम काफी बढ़िया है दोस्तों इस व्हीकल का लाइटिंग परफॉर्मेंस जो है एंड उसी के साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स यहाँ पर आपको मिलते हैं क्रोम फिनिश के एसेंस के साथ। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया है एंड रेयर लाइट्स के बारे में बात करेंगे तो स्प्लिट एलईडी रेयर कॉम्बिनेशन लाइट्स यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलते हैं एंड ऊपर जो है हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको अवेलेबल है। ओवरऑल इस व्हीकल का लाइटिंग सिस्टम जो है दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव है एंड परफॉर्मेंस में भी काफी बढ़िया है एंड इस व्हीकल में आपको 16 inches ट्यूबलेस टायर से डायमंड का अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों एंड उसी के साथ टायर साइज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड उसी के साथ इस व्हीकल में आपको फ्रंट की तरफ आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है एंड कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन है दोस्तों, काफी बढ़िया सा सस्पेंशन आपको इस व्हीकल में मिलता है एंड उसी के साथ इस व्हीकल का व्हील बेस जो है 2500 mm का व्हील बेस है दोस्तों एंड रेयर की तरफ भी आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये रहा इस व्हीकल के टायर्स ब्रेक्स एंड सस्पेंशन के बारे में एंड इस व्हीकल का साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर जो है व्हील आर्च मोल्डिंग आपको मिलता है एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल साइड मिरर्स विद इंडिकेटर फंक्शन के साथ आपको मिलते हैं दोस्तों। बॉडी कलर के साइड मिरर्स है एंड आपको जो है काफी बढ़िया सा व्यूइंग एंगल भी काफी बढ़िया सा आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा मिरर्स के बारे में एंड साइड क्लैडिंग भी काफी बढ़िया सा आपको मिलता है एंड आपको जो है फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट आपको मिलता है दोस्तों। ABC पिलर के ऊपर ब्लैक टेपोर्ट के साथ आपको फ्लोटिंग रूफ का इफेक्ट आपको मिलता है। ऊपर आपको सिल्वर कलर के रूफ रेल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों। प्लेन रूफ यहाँ पर आपको मिलता है एंड यहाँ पर जो है एंटीना आप देख सकते हैं, काफी वाइडर विंड स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलता है एंड इस व्हीकल के मॉडल में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी आपका अवेलेबल है। ये रहा इस व्हीकल का साइड प्रोफाइल के लुक्स के बारे में, तो चलिए कंप्लीटली बैक प्रोफाइल को एक्सप्लोर करेंगे तो ऊपर आपको जो है स्पॉयलर आपको मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड रेयर वॉश वाइपर यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। रेयर विंड स्क्रीन का व्यूइंग एंगल भी काफी बढ़िया है एंड नीचे आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको टोयोटा का सिंबल यहाँ पर आपको मिलता है एंड अर्बन क्रूजर का बैचिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड इस व्हीकल में आपको नंबर प्लेट गार्निशिंग भी आपका अवेलेबल है। ये रहा सेंटर पार्ट के बारे में, कोई भी मॉडल नेम्स नहीं है दोस्तों साइड्स में, सिर्फ और सिर्फ अर्बन क्रूजर का बैचिंग आपको मिलता है। नंबर प्लेट के सेक्शन के जगह आपको रेयर पार्किंग कैमरा का व्यू यहाँ पर आपको मिलता है, मतलब कैमरा का पोजीशन आप देख सकते हैं एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी रेयर बंपर गार्निश यहाँ पर आपको मिलता है एंड उसके ऊपर सारे पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स भी आपका अवेलेबल है। तो दोस्तों ये रहा रेयर बंपर के ऊपर एंड नीचे आएंगे तो आपको जो है एग्जॉस्ट टाइप का लुक एंड टो करने के लिए हुक यहाँ पर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा इस व्हीकल का कंप्लीटली बैक प्रोफाइल के लुक के बारे में, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस व्हीकल के बूट स्पेस के बारे में। काफी स्पेशियस बूट आपको इस व्हीकल में मिलता है दोस्तों, 328 लीटर्स का बूट कैपेसिटी आपको इस व्हीकल में मिलता है एंड ये मैट एक्सेसरी जो है ये काफी बढ़िया है, अपना सामान को जो है ग्रिपी रखता है दोस्तों, हिलने नहीं देता है एंड दूसरा साइड में आपको 12 वॉट्स का चार्जिंग सॉकेट एंड बूट लैंप का फीचर यहाँ पर आपको अवेलेबल है। दूसरी तरफ आपको टो करने के लिए हुक भी यहाँ पर आपको मिलता है, मतलब हैंग करने के लिए आपको सामान हैंग करने के लिए हुक भी आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा इस व्हीकल का बूट स्पेस के बारे में। ऊपर आपको पार्सल ट्रे यहाँ पर आपको मिलता है, इसे आप खोल भी सकते हैं एंड नीचे आपको ये मैट के नीचे ये एक्सेसरी है एंड इस मैट के नीचे आपको एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील यहाँ पर आपको मिलता है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ।
इस थ्रेड को पुल करेंगे तो अपना पैनल उठ जाता है एंड यहाँ पर ही अपना स्पेयर व्हील एंड जैक ये सब कुछ टूल्स जो है अच्छी तरह आप स्टोर कर सकते हैं। और भी आपको स्पेस चाहिए हो तो आप जो है 60x40 स्प्लिट सीट से उसे आप फोल्ड करके आप और स्पेस जो है आप गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस व्हीकल के बूट के बारे में, तो चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर कैबिन के लुक के बारे में। तो ये रहा, मैं रेयर पैसेंजर डोर ओपन कर चुका हूँ। डोर का व्यू जो है इस तरह आपको मिलता है, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल यहाँ पर आपको मिलता है, 1 लीटर बॉटल यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको हैंडल बार, पावर विंडो का कीस एंड डोर अनलॉकिंग करने के लिए आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको लिवर मिलता है। तो ये रहे डोर के ऊपर फीचर्स के बारे में। कैबिन के अंदर जाके देखेंगे तो आपको जो है पार्सल ट्रे का लुक यहाँ पर आपको मिलता है बैक की तरफ एंड लेग रूम, नेरूम, हेड रूम, काफी स्पेशियस कैबिन है दोस्तों। मेनली लेग रूम जो है काफी बढ़िया सा आपको मिलता है एंड उसी के साथ 3 जन जो है कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आपको आर्मरेस्ट को ओपन करके ले जाना चाहते हो तो आपको जो है 2 कप होल्डर आपको मिलते हैं आर्मरेस्ट के अंदर एंड 2 जन जो है लग्जरी के साथ बैठ सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो ये रहा इस व्हीकल का रेयर कैबिन के बारे में। तो चलिए ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके वहां पर क्या है फीचर्स चलिए देखते हैं। ये रहा रिक्वेस्ट सेंसर डोर के हैंडल बार के ऊपर एंड इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 लीटर बॉटल स्टोरेज आपको मिलता है एंड उसी के साथ और कुछ एक्सेसरी स्टोर कर सकते हैं एंड सारे पावर विंडो के कीस यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों एंड उसी के साथ हैंडल बार यहाँ पर आपको मिलता है। काफी कंफर्टेबल ग्रिपी हैंडल बार है, ऊपर आपको क्रोम फिनिश के साथ डोर अनलॉकिंग करने के लिए लीवर आपको मिलता है। ये रहे डोर के ऊपर फीचर्स के बारे में। कैबिन का व्यू इस तरह आपको मिलता है। अंदर जाने से पहले नीचे आप देखेंगे तो विंड प्लेट यहाँ पर आपको मिलता है एंड साइड में आपको टाइप प्रेशर डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं एंड उसी के साथ इस ये व्हीकल जो है मैन्युअली एडजस्टेबल सीट्स है एंड उसी के साथ राइट साइड में क्या क्या है फीचर्स वो देखते हैं। पुश स्टार्ट इग्निशन यहाँ पर आपको मिलता है क्रोम फिनिश के साथ एंड आपको जो है साइड मिरर्स कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलाइट एडजस्टर भी आपका अवेलेबल है। तो ये रहे व्हीकल के अंदर आ चुका हूँ। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो आपको स्टीयरिंग के ऊपर मिलता है, लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, राइट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। आपको जो है नीचे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कंट्रोल्स भी आपका अवेलेबल है एंड ये रहा 3 स्पोक का पावर स्टीयरिंग आपको इस व्हीकल में मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर कंट्रोल्स एंड राइट साइड में आपको हेडलाइट कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों। तो ये रहे इस व्हीकल के कंट्रोल्स के बारे में, स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं तो चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं। यहाँ पर जो है 2 एनालॉग मीटर्स आपको मिलते हैं, एक जो है आरपीएम इंडिकेट करता है, दूसरा जो है स्पीडोमीटर है। सेंटर में आपको छोटा सा डिस्प्ले आपको मिलता है, उसके ऊपर कॉक्शन साइंस का इंडिकेशन भी आपका अवेलेबल है। ये छोटा सा डिस्प्ले में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल गेज, ड्यूअल ट्रिप मीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, आपको कितना एवरेज मिल रहा है, यह सब कुछ आप जो है मॉनिटर कर सकते हैं। आप क्रूज मोड को ऑन करेंगे तो क्रूज का इंडिकेशन भी आपका अवेलेबल है एंड ये स्टीयरिंग जो है टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल का स्टीयरिंग यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है। एंड ये रहा इस व्हीकल का स्टीयरिंग सेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं सेंटर कंसोल के बारे में। यहाँ पर जो है 2 AC vents आपको मिलते हैं, हैजर्ड लाइटिंग का स्विच आप देख सकते हैं एंड ये जो है कंप्लीटली पियानो ब्लैक फिनिश के साथ सराउंडेड है दोस्तों एंड 7 इंचेस का स्मार्ट प्ले कैस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM रेडियो, ये सब कुछ सपोर्ट करेगा एंड उसी के साथ 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है। काफी कमाल का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस व्हीकल में मिलता है। आपको जो है कनेक्टिविटी भी काफी बढ़िया है एंड उसी के साथ आप रेयर रिवर्स गियर डालेंगे तो आपको जो है रेयर पार्किंग कैमरा का व्यू भी काफी बढ़िया सा आपको मिलता है। तो इस तरह का व्यू यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, काफी क्लैरिटी के साथ आपको बैक कैमरा का व्यू आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। नीचे आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। छोटा सा डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है, टेम्परेचर वाइज आप सेट कर सकते हैं अपना AC को जो है। काफी कमाल का कूलिंग आपको इस व्हीकल में मिलता है एंड उसके साथ फ्रंट एंड रेयर जो है हीटर मिरर्स का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पर आपको छोटा सा डिस्प्ले में आप सारे फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आपको जो है ऑक्स पोर्ट एंड USB पोर्ट, 12 वॉट्स का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर आपको मिलता है एंड थोड़ा बहुत स्पेस आपको मिलता है दोस्तों अपना पर्स एंड अपना फोन को रखने के लिए एंड यहाँ पर जो है 5 स्पीड मैन्युअल गियर ट्रांसमिशन का गियर लीवर यहाँ पर आपको मिलता है एंड क्रोम फिनिश का रिंग यहाँ पर आपको उसके ऊपर मिलता है। दोस्तों काफी ग्रिपी हैंडल यहाँ पर आपको मिलता है एंड 2 कप होल्डर्स एंड अपना की होल्डर के लिए भी आपको स्पेस दिया गया है। हैंड ब्रेक यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ये जो है एडजस्टेबल आर्मरेस्ट आपको इस व्हीकल में मिलता है दोस्तों एंड इस आर्मरेस्ट को भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है। तो दोस्तों इस व्हीकल में आपको यूटिलिटी स्पेस जो है काफी बढ़िया सा आपको मिलता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 ग्लो बॉक्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ऊपर वाला जो है कोल्ड ग्लो बॉक्स है दोस्तों, ये सामान रखेंगे तो वो ठंडा रहता है एंड नीचे आपको रेगुलर ग्लो बॉक्स यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है। इस व्हीकल में आपको बढ़िया सा यूटिलिटी स्टोरेज बॉक्सेस जो है काफी बढ़िया आपको मिलते हैं एंड उसी के साथ आपको ऑटो रेयर व्यू मिरर यहाँ पर आपको मिलता है। ये प्रीमियम मॉडल में ही आपको अवेलेबल है दोस्तों। ऊपर आपको सनग्लासेस होल्डर, रीडिंग लाइट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको माइक भी आपको अवेलेबल है दोस्तों इंफोटेनमेंट सिस्टम के एक्सेस करने के लिए एंड आपको सनराइजर्स के ऊपर आपको वैनिटी मिरर विद लाइट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। एयर बैग इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं। ड्राइवर की तरफ आपको टिकट होल्डर यहाँ पर आपको मिलता है एंड उसी के साथ सेंटर में आपको रीडिंग लाइट यहाँ पर आपको अवेलेबल है दोस्तों। सनरूफ नहीं है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट इंटीरियर कैबिन के फीचर्स के बारे में।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस व्हीकल के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस व्हीकल में आपको के सीरीज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। 1462 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट है, 103 का हॉर्स पावर आपको मिलता है, 138 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। 4 सिलेंडर का इंजन है दोस्तों एंड वाइपर के लिए आपको वाटर सेक्शन यहाँ पर है, ब्रेक फ्लूइड का सेक्शन वहाँ पर है एंड रेडिएटर के लिए आपको आउटलेट यहाँ पर आपको मिलता है एंड साउंड प्रूफिंग के लिए आपको पैनल के ऊपर भी बढ़िया सा फोम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा इस व्हीकल के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंजन का एग्जॉस्ट किस तरह होता है चलिए सुनते हैं। एंड उसी के साथ 48 लीटर फ्यूल टैंक यूज करके आपको 17 का एवरेज माइलेज यहाँ पर आपको मिलता है। एंड इस व्हीकल के डायमेंशंस एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स जो है यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, काफी कमाल का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ये व्हीकल जो है आपको अवेलेबल है। एंड ये व्हीकल जो है 3 ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस में एंड उसी के साथ 6 कलर ऑप्शंस में आपका अवेलेबल है। ये आइकॉनिक ग्रे कलर का वेरिएंट जो है आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। इनिशियली पिकअप एंड टॉर्क जो है ये काफी बढ़िया सा आपको मिलता है दोस्तों। आप महसूस कर सकते हैं ईजिली आपको पिकअप कर लेता है व्हीकल जो है आपको, जो है ईजिली आप टर्निंग्स लेते भी काफी बढ़िया सा स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको मिलता है। एंड उसी के साथ स्टीयरिंग जो है काफी लाइट वेट है दोस्तों, आप ईजिली मनोवर कर सकते हैं व्हीकल को जो है, लो स्पीड्स भी अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं, मतलब सिटी ड्राइविंग्स में ट्रैफिक में भी आप अच्छी तरह व्हीकल को जा सकते हैं। एंड उसी के साथ इस व्हीकल का ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी बढ़िया है दोस्तों, आप कितने भी स्पीड में हो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उसी के साथ रोड नॉइस एंड विंड नॉइस जो है ये कम आपको सुनाई देता है एंड व्हीकल जो है स्पीड्स में भी ले जाएंगे तो आपको जो है इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों इस व्हीकल को जो है, आपको बढ़िया सा ग्रिप यहां पर आपको मिलता है अपने ड्राइविंग के ऊपर। एंड उसी के साथ आप जब भी टर्निंग करते हो तो आपको बॉडी रोल भी इतना नहीं मिलता है दोस्तों, इजीली आप व्हीकल को टर्न कर सकते हैं। आपको जो है विजिबिलिटी एंड व्यूइंग एंगल भी काफ़ी तरह आपको अच्छी तरह आपको इस व्हीकल में मिलता है। एंड उसी के साथ सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा बहुत स्टिफर साइड है मगर आपको कंफर्टेबल राइड जो है ये व्हीकल ऑफर करता है। एंड आप ऑफ रोड को छोड़ के आप रेगुलर रोड्स या हाईवे पे चलाएंगे तो आपको अच्छी तरह कंफर्टेबल राइड यहाँ पर आपको ये व्हीकल से आपको मिलता है। एंड उसी के साथ काफ़ी बढ़िया सा फ्यूल एफिशिएंसी व्हीकल भी है दोस्तों एंड इजीली आप व्हीकल को कंट्रोल अपना ग्रिप में रख सकते हैं, काफ़ी कमाल का कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया सा आपको मिलता है। तो ये रहा इस व्हीकल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों ये रहा अर्बन क्रूजर का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगर आपको ये व्हीकल खरीदना चाहिए कि नहीं उसके बारे में। अर्बन क्रूजर के राइड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो काफी कमाल का राइडिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है दोस्तों। सस्पेंशन एंड आपको जो है काफी बढ़िया है, आपको बढ़िया सा कंफर्टेबल राइड जो है ऑफर करती है एंड माइलेज भी काफी बढ़िया देता है दोस्तों, बढ़िया सा फ्यूल एफिशिएंसी व्हीकल भी है। एंड पिकअप एंड पावर जो है एकदम बढ़िया तरीके से आपको इनिशियली आपको काफी बढ़िया सा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। सिटी में जो है इजीली आप कट करके व्हीकल ले जा सकते हैं, सिटी में भी एंड हाईवे में भी काफी बढ़िया सा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अगर यही व्हीकल को आप ब्रेजा से आप कंपेयर करके देखेंगे तो दो ही फैक्टर्स में काफी सारा डिफरेंस आपको मिलता है दोस्तों। पहला जो है वारंटी, आपको टोयोटो में जो है 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर का वारंटी आपको टोयोटो ऑफर कर रही है एंड उसी की जगह आपको ब्रेजा में जो है 2 इयर्स 40,000 किलोमीटर का वारंटी वहां पर मिलता है। अगर ब्रेजा में जो है अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी आप लेना चाहते हो तो वहां पर जो है 5 इयर्स 1 लाख किलोमीटर का वारंटी होता है। यहां पर जो है इनिशियली आपको 1 लाख किलोमीटर्स का स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलता है दोस्तों। अगर आप टोयोटो में भी एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हो तो आपको जो है 5 इयर्स 2,20,000 किलोमीटर का वारंटी टोयोटो ऑफर करती है। तो दोस्तों यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों व्हीकल में, आपको काफी बड़ा सा डिफरेंस बना देता है। एंड दूसरा फैक्टर जो है सर्विस सेंटर, मारुति सुजुकी का नेटवर्क जो है काफी बढ़िया है मगर वहां पर वॉल्यूम जो है ज्यादा है दोस्तों, आपको जो है सर्विस करने में थोड़ा बहुत डिले होता है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है दोस्तों सर्विस जो है, सर्विस होता है मगर ठीक ठाक सर्विस जो है वहां पर आपको मिलता है। मगर यहाँ पर जो है टोयोटो में जो है काफी बढ़िया सा सर्विसिंग भी आपको मिलता है एंड अफोर्डेबल सर्विस है दोस्तों, काफी कम प्राइसेस में भी आपको सर्विस मिलता है। तो दोस्तों यही दो फैक्टर्स है इन व्हीकल को जो है काफी बड़ा सा डिफरेंस में लगा देता है, काफी कमाल का कंपैरिजन है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट जो है मारुति कंपनी वाला का है मगर भरोसा जो है टोयोटो वालों को ज्यादा है दोस्तों उन लोगों को कंपेयर करेंगे तो। मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो अर्बन क्रूजर जो है काफी कमाल का व्हीकल है दोस्तों, डायरेक्टली आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ और नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह लेटेस्ट ऑटोमोबाइल रिव्यूज एंड अपडेट्स जानने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, मैं मिलता हूं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक मैं हूं आपका पीआर टेक साइनिंग आउट, धन्यवाद।